सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 1-800-21-23-494 पर। कई फिल्मों में ये जरूर कहा जाता है, हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। गोपाल कांडा के साथ ऐसा ही हुआ। गोपाल कांडा मंत्री बनना चाह रहे थे लेकिन दिल्ली से उनका नाम कट गया। ये अपडेट आ रही है, दिल्ली से गोपाल कांडा का नाम दिल्ली से कटा है क्योंकि उन पे कई तरह के जो आरोप थे, हालांकि उन आरोपों से गोपाल कांडा बरी हो गए थे लेकिन अब भी दिल्ली दरबार उनको चाह रहा है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। नायब सिंह सैनी कैबिनेट से भी गोपाल कांडा को दूर रखा गया है। ये कयास पहले लगाए जा रहे थे कि निर्दलीय जो विधायक हैं, हालांकि गोपाल कांडा हैं वो हलोपा से विधायक हैं, सिरसा से, और बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि उनको मंत्री बनाया जाए लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। और ये भी आज चर्चा चल रही थी कि अगर गोपाल कांडा मंत्री नहीं बनते हैं तो गोपाल कांडा ने ये शर्त रखी है अगर वो नहीं मंत्री बनेंगे तो कोई भी निर्दलीय है उनको मंत्री नहीं बनाया जाए। और ऐसा ही हुआ, किसी भी निर्दलीय को आज मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई। जो 8 चेहरे थे वो बीजेपी की पूरे कोर बीजेपी, उनको शपथ दिलाई गई और एक भी निर्दलीय आज शामिल नहीं किया गया। हालांकि पहले कैबिनेट में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय विधायक रानिया से, उनको कैबिनेट मंत्री की पद की शपथ दिलाई गई थी लेकिन आज निर्दलीयों को शामिल नहीं किया गया। ये पहले कयास लगाए जा रहे थे कि दो निर्दलीय हैं वो इसमें शामिल किए जा सकते हैं नायब सिंह सैनी कैबिनेट में, जिनमें नयन पाल रावत है उनका नाम चल रहा था और दो नाम और चल रहे थे, गोपाल कांडा का भी नाम चल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पे गोपाल कांडा की छुट्टी हो गई। गोपाल कांडा का ऐसा कांड हुआ कि उन्होंने निर्दलीयों को भी नहीं बख्शा, उन्होंने निर्दलीयों को लेकर के भी वीटो लगा दिया था कि अगर वो नहीं बनेंगे तो कोई भी नहीं बनना चाहिए, यानी कि हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक भी निर्दलीय विधायक है, उन्होंने आज मंत्री पद की शपथ नहीं दी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, राय जरूर रख लीजिए कि गोपाल कांडा के क्या ये निर्णय गोपाल कांडा का सही था। अगर उनको मंत्री नहीं बनाया गया तो बाकी निर्दलीयों को क्यों नहीं बनाया गया? निर्दलीयों की चूँकि संभावित है, निर्दलीयों की नाराजगी सरकार पर लोकसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है। कितनी भारी पड़ेगी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।